बर्ड फ्लू की रोकथाम एवं बचाव संबंधित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने निर्देश दिए हैं कि पोल्ट्री फार्म एवं प्रवासी पक्षियों का गहनता पूर्वक सर्विलांस किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बत्तख व कुक्कुट पालकों से लगातार संपर्क स्थापित किया जाए। जनपद में जहाँ अधिकांश कुक्कुट इकाइयाँ हैं वहाँ पर विशेष सतर्कता बरती जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में फिलहाल बर्ड फ्लू का प्रकोप नहीं है, फिर भी सतर्कता आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए और ना ही अफवाह फैलाई जाए। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग के अधिकारी सतर्कता के दृष्टिगत वन विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहें और बर्ड फ्लू की किसी भी स्थिति से निपटने हेतु समस्त उपकरणों सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा पशु चिकित्सा अधिकारी निरंतर अपने क्षेत्रों का भ्रमण करें तथा पोल्ट्री फार्मों पर साफ सफाई आदि की व्यवस्था बेहतर हो। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र नाथ शर्मा सहित विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा, चिकित्सा अधिकारियों से हम लोगों ने ब्लॉक स्तरीय आरआरटी टीम का गठन कर दिया है सर, अपना कार्य प्रारंभ रखेंगे और कोई भी सूचना मिलती है तत्काल हम लोगों को अवगत कराएंगे। इसमें सर अन्य विभागों के सहयोग भी हम लोगों को आवश्यक होता है सर, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग है सर, स्वास्थ्य विभाग से सबसे पहले आवश्यक है सर ये जो हमारी टीम्स हैं, अगर कहीं पर इस तरह की घटना मिलती है और टीम जाती है तो उसको टेमीफ्लू जो एंटीवायरल एक ड्रग होती है सर उसको उपलब्ध कराया जाए हमको, ताकि जो टीम के सदस्य हैं वो रेगुलरली उसको इस्तेमाल करें। ये टेमीफ्लू क्या वैक्सीन के तौर से यूज सर ये पोल्ट्री फार्मों के आसपास डिसइंफेक्शन कराना सुनिश्चित करें सर, साफ सफाई और डिसइंफेक्शन, ताकि वहाँ पे जो संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, ताकि एक साथ उठ लेकर के उनको मरवा करके और गड्ढों में दफनाया जाता है ताकि उसका स्प्रेड ना हो। तो वहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम पुलिस विभाग से सहयोग चाहेंगे सर। तो ये इसलिए सहयोग होता की आवश्यकता होती है सर कि जब किसी भी मशीन उपलब्ध करा करके वो पिट खुदवाने में हमारा सहयोग करेंगे। सर गोरखपुर जनपद में जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं सर, सर मैक्सिमम जगह पे सर हम लोग विजिट करते हैं तो उनके यहाँ सर ग्लूटामाइन फॉर्मल्डिहाइड और रेगुलर स्प्रे करते हैं सर। प्रेजेंस ऑफ बर्ड में भी कुछ स्प्रे आते हैं जो मार्केट में सर अवेलेबल है और कुछ सर फार्म के बाहर किए जाते हैं, रेगुलर करते हैं, सभी फार्म पे सर अवेलेबल रहते हैं। तो जो जब उसमें जो दफनाया जाए आसपास भी किया जाता है उसको एंटीसेप्टिक किए जाने के लिए। और दूसरा सर पुलिस विभाग से सर एक ये भी सहयोग होगा सर कि इस पीरियड में अन्य जनपदों से कोई भी पोल्ट्री प्रोडक्ट जनपद में ना आए, आवागमन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया जाता है 100%। इस सहयोग की यह अवस्था हो हम अनुरोध करेंगे कि प्रवासी पक्षियों में ही से ही ये बीमारी अक्सर फैलती है और जो घरेलू बर्ड्स हैं, डेयर बर्ड्स हैं, उनमें अक्सर इस तरह का इन्फेक्शन बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन जो माइग्रेटरी बर्ड हैं, उनसे ही ज्यादा होती है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स कहीं भी फॉरेस्ट बर्ड कोई भी अगर कहीं डेथ मिलती है तो तत्काल हम लोगों को अवगत कराएं ताकि उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। पोल्ट्री प्रोग्राम अफसर अक्सर बताएंगे सर इसके बारे में। थैंक यू सर। आदरणीय जिला अधिकारी महोदय सर, अन्य विभाग के आए अधिकारी महोदय, हमारे और वो जूनोटिक नहीं है जी। और सर इसमें क्या है कि अगर H5N1 किसी भी फार्म में स्टार्ट हो गया है तो सर मोर्टलिटी विद इन 3 डेज हो जाती है, 100% मोर्टलिटी होती है। और अपने हम अपने पशु अधिकारी लोगों को बता दें कि बर्ड का जो बर्ड फ्लू के सिम्टम है और इंटरनल आप देखेंगे तो हेड के ऊपर सो जाएंगी और जो बर्ड का कम होता है बिल्कुल रेड और रेड हो जाएगा उसमें पिटीचियल हेमरेज मिलेगा आपको, जहाँ पे अनफेदर्ड स्किन होती है वहाँ पे भी हेमरेज मिलेगा, जो उसके जॉइंट्स लेग होते हैं वहाँ पे भी हेमरेज मिलेगा। ये इसका जो है इंटर एक्सटर्नल जो है आपको सिम्टम मिलेंगे। अगर पोस्टमार्टम करते हैं सर तो पोस्टमार्टम में ट्रेकिया में प्लग मिलेगा और ट्रेकिया बिल्कुल हेमरेजिक मिलेगी,
और सर इसका वायरस आइसोलेशन सर हाई सपोर्ट जिला भोपाल से ही करते हैं, उसके वो सर हाई सपोर्ट जिला भोपाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, उसके बाद सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फिर उसकी हम कलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। कलिंग प्रोसेस में सर जो होता है कि जो हम एक इन्फेक्टेड जोन बनाते हैं वो सर पहले 1 किलोमीटर के दायरे में लेते हैं, फिर उसके बाद सर फिर 1 किलोमीटर लेते हैं, फिर 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर लेते हैं। सभी चीज को कलिंग कराना पड़ेगा सर। स्टार्टिंग में सर जहाँ पे केंद्र होता है जो इन्फेक्शन का होता है हाँ, तो वहाँ से कलिंग ना शुरू करके सर हम लास्ट बाहर से कलिंग शुरू करते हैं। कितने किलोमीटर रेंज से लेंगे सर? 1 किलोमीटर लेते हैं स्टार्टिंग, 1 किलोमीटर जी। उसके बाद फिर कोई भी सर वहाँ पे जो है नया चीज सर ब्रोडिंग नहीं होगा, कोई भी सर वहाँ पे नया फॉर्म नहीं फलेगा, सैंपल लेते हैं और जांच के लिए भेजते हैं। आफ्टर 90 दिन के बाद सर अगर वो निगेटिव आता है तब हम वहाँ पे सर कहते हैं कि आप ये दोनों बर्ड फ्लू फ्री हो गया है सर। महीने में आखिर महीने जाता है क्लिनिकल सैंपल और सीरम सैंपल और नेचर सैंपल जाता है। अभी कई प्रदेशों में बर्ड फ्लू फैलने की सूचना मिली है, तो उसको रोकथाम के लिए उसकी सावधानी रखने के लिए ये जिला स्तरीय जो हमारी टास्क फोर्स कमेटी है, क्योंकि उसके सभी कई विभागों के सहयोग से इसमें नियंत्रण किया जाना है, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक की गई है। क्या रणनीति ये बनी है कि जहाँ पर कहीं भी इस तरह की कोई रिपोर्ट मिलती है, कोई सूचना मिलती है, तत्काल हमको पशुपालन विभाग को अवगत कराएंगे, खासतौर से वन विभाग या अन्य जो भी विभाग हैं जिसको कोई सूचना मिलती है तत्काल उसको अवगत कराया जाए ताकि उसकी जांच की जाए, उसका पोस्टमार्टम सैंपल वगैरह भेज करके उसको जो है पूरी जांच करा ली जाए, मॉनिटरिंग कराने के लिए हमने जो है तो हर विकास खंड में अपनी रैपिड रेस्पॉन्स टीम जो है गठित कर दी है, जो टीम पोल्ट्री फार्मों पर जाकर के नियमित रूप से निरीक्षण करेगी।